बताएं, राणा सनाउल्ला भी नैब के रडार पर आ गए हैं। राणा सनाउल्ला ने फैसलाबाद में अंडरपास का नक्शा तब्दील कराया, मनपसंद अफराद को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। नैब में दरखास्त दायर की गई है जबकि तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इस बारे में हमें बताएंगे मोहम्मद हसन रजा। बताइए मोहम्मद हसन रजा, साबिक वजीर कानून राणा सनाउल्ला के खिलाफ भी जो है नैब ने तहकीकात शुरू कर दी है। उनको ये इल्जाम है कि फैसलाबाद में अंडरपास का नक्शा तब्दील कराने का इल्जाम है और राणा सनाउल्ला पर ने जो है फैसलाबाद में अंडरपास का रूट तब्दील करवाया था और रूट तब्दील करवाने से पहले जो वहां पर जमीन की वो खरीदारी की थी अपने मनपसंद अफराद पर जो है उनको नवाजा गया और उन पर यह भी इल्जाम है कि जब रूट चेंज हुआ तो वो जमीन में दुकानें बनाती जो है उनसे अरबों रुपए का जो है वो मुनाफा कमाया जा रहा है जिससे सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचा और वहां के जो शहरी हैं उनके माहौलियात और उनकी इकोनॉमिक्स देख के और उनकी जो शुमारियात की रिपोर्ट है तमाम देख के उससे जो रूट को भी तब्दील करने से नुकसान पहुंचा है। इस पर जो है एक नैब ने दरखास्त है जिस पर नैब ने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी है और अगले मरले में साबिक वजीर कानून राणा सनाउल्ला को भी तलब किया जा सकता है। शुक्रिया मोहम्मद हसन रजा अपडेट करने के लिए।